कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार। लगातार 11 दिन तक नहीं चल सकी सदन की कार्यवाही। राहुल गांधी के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी का फिर हमला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, खुद को संविधान से ऊपर समझते हैं राहुल गांधी। आज कांग्रेस और मिस्टर राहुल गांधी वो सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है वो। राहुल गांधी के मुद्दे पर विपक्षी एकता पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला। बीजेपी दफ्तर के उद्घाटन समारोह में बोले, एक मंच पर आए भ्रष्टाचार में डूबे में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। देश की सबसे बड़ी हस्तियां साथ होंगी सबसे बड़े मंच राइजिंग इंडिया पर आज और कल। सिर्फ न्यूज 18 पर देखिए दलित। पुलिस को फिर चकमा दे गया भगोड़ा अमृतपाल। पंजाब के होशियारपुर होने की खबर के बाद पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। इनोवा कार छोड़कर फरार हुआ था अमृतपाल। राजस्थान के कोटा पहुंचा प्रयागराज से साबरमती के लिए निकला अतीक का काफिला। अपहरण मामले में कोर्ट ने कल सुनाई थी उम्र कैद की सजा। न्यूज 18 से बोला अतीक, ऊपरी अदालत में करेंगे अपील। जी हाईकोर्ट जाएंगे। नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आज भेजी जाएंगी खास सांगवान की लकड़ियां। शोभा यात्रा में यूपी के 3 मंत्रियों के साथ उप मुख्यमंत्री फडणवीस भी रहेंगे मौजूद। न्यूज 18 लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया।